चावल और हैं लो। मतलब फिर आप ये उसी में दोगे या फिर एक्स्ट्रा? ना ना उसी में दे दूंगा। उसी पैसे में दे रहे हो आप ये? नहीं यार। हाँ। तो आज हमारे के बेस्ट भोजनालय जहाँ आपको लंच से लेकर डिनर तक का हर एक प्रकार का खाना मिलता है, जैसे कि राजमा चावल, पराठे है कि नहीं, और वो भी रोटी 30 रुपए की 5 रोटी और सब्जी सारे मिलेगी आपको उसमें। तो आइए जरा देखते हैं बेस्ट भोजनालय में और क्या क्या मिलता है। जरा जल्दी आइए, जल्दी आइए। हमारे पास है राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, आलू पराठा और रोटी, और साथ में बंद मक्खन, और चाय तो खैर मिलती ही है, आपको पता ही है। देखिए आए तो थे हम यहाँ रोटी के साथ सब्जी खाने के लिए, लेकिन रोटी खत्म हो चुकी है इनकी। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ खा के जरूर जाएंगे और आपको टेस्ट रिव्यू देंगे। तो आज हम खाने वाले हैं कड़ी चावल। आइए। तो अंकल जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भवान बिष्ट। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ ये बनाते हुए? यहाँ पर 1 साल हो गया, करीबन 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीने। अच्छा, जैसे कि हम आए थे यहाँ पर आपकी फेमस सब्जी और रोटी खाने के लिए, लेकिन वो तो मिल नहीं पाई। रोटियाँ तो खत्म हो गई, रोटी 12 बजे तक ही रहती है, 12 से 12:30 और पहले भी खत्म हो जाती है, कस्टमर के ऊपर बात है। अच्छा, मतलब इतनी पसंद करते लोग पहले खत्म कर दे रहे हैं? सब ऑफिस वाले जाते हैं ना खाते हुए, नाश्ता करते हुए। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या है इसकी? लास्ट है टाइमिंग सुबह 8 से 5। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। अच्छा, जैसे कि हमने सुना कि आप हेड़ा खान से हुए, सही बात है? हाँ जी हाँ, उधर ही हुए, हेड़ा खान से थोड़ा ऊपर ही है, वैसे प्रॉपर हेड़ा खान नहीं हुआ, थोड़ा गांव हुआ ऊपर। अंकल जी, हमारे लिए एक बढ़िया से कड़ी चावल लगा दीजिए आप। हाँ अभी लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे एक बासमती चावल बनके तैयार हो चुके हैं, एकदम गरम गरम कुकर से निकल रहे भाई, कुकर में बनाते हैं हमारे बीच जी, कितनी कमाल की बात है। हाँ, बासमती का चावल है ये राजमा चावल, कड़ी चावल आपको लगाई जा रही है, आप देखो ये राजमा है। अरे कड़ी भी देंगे एक साइड में। जैसे कि आप देख सकते हो राजमा चावल के साथ कड़ी चावल आ रहे हैं हमारे, कि नहीं, राजमा और कड़ी मिक्स होकर आ रही है हमारे पास। हाँ, राजमा चावल कड़ी, हमने केवल कड़ी के लिए कहा था, लेकिन देखिए अंकल जी का दिल कितना बड़ा है। क्यों, सब मिलता है यहाँ पर। ये मिर्ची का अचार, अरे मिर्ची का अचार भी है? ये मिर्ची का अचार अपने घर का है, मेरे हाथ का बना हुआ अचार। ये चटनी करौंदा, ये ले लीजिए सब्जी, आलू गोभी। सब्जी भी डाल रहे हो आप? आलू गोभी, हाँ ये सब पड़ता है इसमें। ये बढ़िया, ये आलू गोभी की सब्जी, मटरी 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 है ये, तो आपने हाथ की बनी हुई मटरियाँ, ये देखो मटरी चावल खा के देखो। यहाँ तो ये खाना नेक्स्ट लेवल हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, कड़ी चावल के साथ साथ और भी कई चीजें मिली है, केवल कड़ी चावल कहना ही गलत होगा। ये कड़ी चावल है, राजमा चावल है, सब्जी है भाई साहब, सूखे सब्जी है, अचार है, और ऊपर से भाई साहब मटरी जो डाली उन्होंने, भाई साहब क्या टेस्ट आने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन पता चलेगा, खाएंगे आपको बताएंगे। मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं कि अंकल जी इतना कुछ मिला करके हमें देंगे, मुझे लगा था बस कड़ी चावल के साथ एक कड़ी होगी और चावल होगी जैसे हर कोई देता है, लेकिन ये हर कोई की तरह थोड़ी है कि नहीं, ये बेस्ट भोजनालय है। और एक कमाल की बात बताता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है जेरस बेस्ट, अपन बेस्ट है, कैमरा मैन भी बेस्ट है, मोहित बेस्ट, जेरस बेस्ट, बेस्ट बेस्ट, क्यों कितने कमाल की बात है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है ना भाई साहब, मजा आ गया, और खाने का जो कॉम्बिनेशन है, चलिए आप खाते और आपको बताते हैं एक्चुअल टेस्ट क्या है इसका। ये हमारी सूखी सब्जी है, गोभी और आलू की सब्जी है, तो गोभी आलू का टेस्ट बताते हैं हम आपको, बिल्कुल घर का स्वाद है और घर से भी ज़्यादा पहाड़ी स्वाद है कि नहीं। अब हम देखते हैं राजमा चावल, मतलब चावल नहीं खाली राजमा लेते हैं। राजमा भी एकदम परफेक्ट है, मसाले एकदम परफेक्ट है ना, नमक ज़्यादा ना कम है, मिर्ची भी एकदम सही है ना, मैं मिर्ची कम ही लेता हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही मिर्ची डली हुई है। अब चटनी लेते हैं हमारी, देखिए ऑरेंज ऑरेंज चटनी है ये हमारी, मिर्ची वाली चटनी थी बाबा। रुकिए रुकिए अंकल जी, कुछ कह रहे हैं, जरा इधर आइए, इधर आइए, क्या कह रहे हो आप? मतलब चावल और, मतलब कि तो ले लीजिए चावल, चावल और हैं लो। मतलब फिर आप ये उसी में दोगे या फिर एक्स्ट्रा? ना ना उसी में दे दूंगा। उसी पैसे में दे रहे हो आप ये? नहीं यार। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो अंकल जी ने हमें एक्स्ट्रा चावल दिए हैं, और उनका कहना है कि उसी रेट में आपको और चावल दिए जाएंगे। अब हम सब चीज मिक्स करके फाइनली आपको बताते हैं कि पूरी थाली का, हमारे राजस्थानी थाली का जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड में मिल रही है, इसका टेस्ट क्या है। भाई साहब नेक्स्ट लेवल टेस्ट है कि नहीं, बहुत बढ़िया। मुझे राजमा के साथ साथ यहाँ पर चावल का है, और हमारे राजमा चावल के साथ साथ हमारी सब्जी का जो कि सूखी सब्जी है, और साथ में हमारी चटनी का जो कि उनके घर की पहाड़ी चटनी है, उसका भी स्वाद आ रहा है। भैया जी, आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? पहली बार आया हूँ मैं आज। अच्छा, पहली बार आ रही हो, तो कैसा खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? तो भैया जी, आपका नाम क्या हुआ? शैलेंद्र दीक्षित।
तो भैया आप आ कब से रहे हो यहाँ पे खाने? मैं रेगुलर आ रहा हूँ, करीबन 5-6 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए। तो यहाँ अंकल जी का टेस्ट, खाने का टेस्ट एक्चुअल कैसा है आप ये बताइए? खाना हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें घर जैसा ही माहौल मिलता है, घर जैसा ही खाना मिलता है, पहाड़ी स्वाद आता है और घर वाला स्वाद आता है, इसलिए और हम लोग यहाँ रेगुलर इसलिए आते हैं क्योंकि घर वाला स्वाद है इनका। तो यहाँ पे मैंने सुना है बीस जी के जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, इनके पराठे बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टेस्टी हैं, हम लोग काफ़ी दिन से खा रहे हैं तो हमें पसंद भी बहुत है। तो आप यहाँ पे रिकमेंड करना चाहोगे पब्लिक को कि यहाँ पे पब्लिक आए? मैं चाहूँगा बिजली की दुकान पे सभी आए, सभी खाएं। तो मतलब आप वैसे नंबर कितने दे, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? बिजली को तो 100% दे सकता हूँ मैं 10 में से। अच्छा, मुझे स्विगी के मामले में कल को खाना खराब बना दिया तो अच्छा बना रहे हैं इसलिए 100 नंबर। अच्छा, 100 दे रहे हो? अच्छा अच्छा, तो मतलब खाने के मामले में एक नंबर खाना है। जी जी बिल्कुल। तो भैया जी आपका नाम क्या है? रूपेश। अच्छा, आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं आ गया 1 साल हो गया भाई साहब। अच्छा, 1 साल हो गया। और आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या लगता है खाने में? मैं इनके चावल अच्छे लगते हैं। अच्छा, राजमा चावल, और टेस्ट कैसा है राजमा चावल का? टेस्ट बढ़िया है। जैसे कि रोटी सब्जी खत्म हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर कड़ी चावल खाने के लिए, दाल चावल खाने के लिए और साथ में उनकी प्यारी सी चटनी लेने के लिए। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय भट्ट। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ खाते हुए? मैं 1 साल हो गया। अच्छा, ना जब से दुकान खुली तब से कंटिन्यू खा ही रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको इनका खाना? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा, घर की तरह बनाते हैं। अच्छा अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, आपने अभी यहाँ क्या क्या खाया? क्योंकि हम तो केवल अभी कड़ी चावल ही खा पाए। इनका राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, आलू के पराठे सब फेमस है, अच्छे हैं। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि एक ही कॉस्ट में आप जितना पेट भर लेना चाहो ले सकते हो, बार बार ले सकते हो, ऐसा हर कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता ऐसा। मैं तो केवल कड़ी चावल खाने के लिए आता, इन्होंने कड़ी चावल के साथ कई कई चीज़ें मिक्स करके दी है। हाँ, वो रहता, कभी रहता भी होता है, भी रहता, आजकल बनाया नहीं है। अचार है, हरी मिर्ची का अचार है, बहुत अच्छा घर से बना के लाते हैं, और चटनी है, सलाद है, सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन मैं सोचा नहीं था कि जब मैं कड़ी चावल खाऊंगा इतना कुछ मिक्स करके देंगे इसमें, इतनी कमाल की बात है इनकी। देते हैं बहुत सारी चीज़ें देते हैं और रेट भी अच्छे हैं। कहते हैं इन्होंने पूरी राजस्थानी थाली बना दी थी हमारी, है कि नहीं? हाँ जी। आप लोग भी उत्तराखंड स्ट्रीट फूड को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सभी लोगों से निवेदन है कि उत्तराखंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों से बोलें कि सपोर्ट करें भाइयों का। उत्तराखंड स्ट्रीट फूड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। उत्तराखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाई लोगों को सपोर्ट करिए, खूब उत्तराखंड चैनल को न्यूज़ में डालिए।